बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका किचन एक्सपर्ट उमर भट्ट आपको अपने चैनल पे शामदीद कहता हूँ। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए चिकन पोर्ट कलेजी की रेसिपी लेकर आया हूँ। बहुत मेरी फेवरेट है ये। जब भी आप चिकन का गोश्त लाते हैं घर पर, तो उसमें ज़रूर ये मौजूद होती है पोर्ट कलेजी, तो अक्सर लोग उसको वेस्ट कर देते हैं। अब आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बहुत मज़े की आज मैं रेसिपी बनाऊँगा इसके साथ। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। जी व्यूवर्स, पोर्ट कलेजी की रेसिपी बनाने के लिए हमें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें हमने पोर्ट और कलेजी लिया तकरीबन 800 ग्राम्स, साथ दही है 3 से 4 टेबल स्पून, प्याज चाहिए होगा एक दरमियाने साइज़ का, टमाटर 2 अदद लिए हैं दरमियाने साइज़ के, हरा धनिया थोड़ा सा चाहिए होगा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, साथ 2 अदद लीमू। और स्पाइसिस में मैं आपको आगे चल के बताता हूँ वीडियो में। सबसे पहले हम कटिंग करते हैं। ले जनाब, सबसे पहले हम पोर्ट की कटिंग करते हैं। इसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं। किस तरह करने हैं? इस तरह सेंटर से, फिर इधर से, और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे। ये बड़ी जल्दी गल भी जाएंगे इस तरह से। बाकी तमाम भी हम इसी तरह ही कटिंग करेंगे। ले जी, लास्ट पीस भी कटिंग हो चुका है। अब कलेजी बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं करने हैं, कलेजी के आप थोड़े बड़े रखिएगा इस तरह से। बाकी भी हम इसी तरह कटिंग कर लेते हैं। ले जनाब, कलेजी की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम मज़ेदार सा मसाला तैयार करते हैं इसका, तो चले आए देखते हैं। ले जनाब, हमें एक पैन चाहिए होगा जिसमें हमने ऑयल 5 से 6 टेबल स्पून उसमें शामिल किया है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, प्याज इसमें शामिल करेंगे 1 अदद, मैंने साइज का प्याज बताया था। सबसे पहले प्याज शामिल करते हैं। जी व्यूअर्स, प्याज शामिल करने के ठीक 2 से 3 मिनट के बाद, जैसे ही सुनहरा ब्राउन होना शुरू हो जाए प्याज, तो इसमें हम चिकन की पोर्ट शामिल करेंगे। और मिक्स कर लेते हैं। इसी तरह मिक्स करते रहेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद, जैसे ही पोटों का कलर चेंज हो जाए, इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, और दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। कलेजी हमेशा आपने बाद में डालनी है, जब हम इसका मसाला थोड़ा सा तैयार कर लेंगे, फिर लास्ट में हम कलेजी शामिल करेंगे, क्योंकि कलेजी बहुत जल्दी जो है ना वो पक जाती है। पहले हम पोटों को पकाएंगे थोड़ा सा। लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करने से 2 से 3 मिनट के बाद हमारे पास स्पाइसेस हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 800 ग्राम हमारी पोर्ट और कलेजी थी। तो 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, और 1/2 टीस्पून चाट मसाला। ये तमाम स्पाइसेस हम शामिल कर देंगे इसमें और मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट अच्छी तरह हमने पोटों को भूना है, आप देख सकते हैं। अब इसमें दही शामिल करेंगे, क्वांटिटी मैंने आपको पहले बताई थी 3 से 4 टेबल स्पून। दही शामिल करने के बाद इसको एक दफ़ा मिक्स करते हैं, और अब फ्लेम आपने थोड़ा लो कर देना है, और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने दम लगा देना है, ताकि अच्छी तरह से हमारी पोटे गल जाएँ। जी व्यूअर्स, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं। जी, काफ़ी हद तक गल चुकी है पोटे जो हमारी। अब इस पर क्या करेंगे, जो हमारे पास कलेजी थी वो शामिल करेंगे। बस मेक श्योर करने के पोट जो है अच्छी तरह गल चुकी हो, फिर इसमें आप कलेजी शामिल कीजिएगा। फ्लेम थोड़ा मीडियम कर लेंगे और मिक्स करेंगे इस तरह से। कलेजी शामिल करने के बाद हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छी तरह भूना है कलेजी को भी। अब इसमें लास्ट में क्या करेंगे, टमाटर शामिल करेंगे, 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने बताया था वो शामिल करेंगे, और इसको मिक्स कर लेते हैं। ले जनाब, टमाटरों का पानी भी उसको हो चुका है, कह ले ऑलमोस्ट हमारी रेडी है पोर्ट कलेजी। अब लास्ट में क्या है, हरी मिर्च 2 से 3 अदद ये भी शामिल करेंगे, और हरा धनिया भी आप इसमें इस तरह से शामिल कीजिएगा।
और एक दफा मिक्स कर लेते हैं। ले व्यूअर्स, हमारी आज की पोर्ट लेजी की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। देखिए माशाल्लाह जबरदस्त किस्म की तैयार हुई है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। जरूर मेरी ये रेसिपी आपने ट्राई करनी है। अब इसको डिश आउट करते हैं। ले जनाब, हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी है और डिश आउट भी हो चुकी है। और लीमू एक अदद आपने ज़रूर इसमें रस शामिल करना है। यकीन जाने आप चाम भूल जाएंगे अगर आप ये मेरी आज की रेसिपी ट्राई करेंगे। बहुत मेरी स्पेशल रेसिपी है, मेरी फेवरेट रेसिपी है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब किया करें और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुँच सकें। जी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की चिकन पोर्ट लेजी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत स्पेशल रेसिपी है ये मेरी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें। एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।